रावण 2 हुई कंफर्म, शाहरुख खान ने बताया फिल्म का नया टाइटल। 2 अक्टूबर को प्रभास की फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज किया गया। वैसे तो फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीजर को रिलीज होते ही ये सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ना तो लोगों को टीजर पसंद आया, ना ही इसका VFX। लोग ऐसे VFX देख प्रभास को जमकर ट्रोल किया और कहा कि इस कार्टून को रिलीज करके शाहरुख खान की पठान के साथ टक्कर मत लेना, वरना ये फिल्म डिजास्टर जाएगी। इतना ही नहीं, आदि पुरुष में यूज किया गया VFX को लोगों ने शाहरुख खान की 2011 में आई फिल्म रावण के VFX के कंपेयर में घटिया बताया और लोगों ने कहा कि जब इंडस्ट्री में VFX की चर्चा नहीं थी, तब शाहरुख खान ने एक मास्टरपीस फिल्म दी। और बस इतना ही था कि लोगों ने सोशल मीडिया पर #WeWantRavanBack ट्रेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अब शाहरुख खान ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि इस फिल्म का Part 2 बनेगा। बात करें अगर वीडियो की, तो इस वीडियो में शाहरुख खान कह रहे हैं कि अगर रावण फिल्म चलती है तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 130 करोड़ का था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 207 करोड़ जितनी कमाई की थी। मतलब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। और अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर इतनी मांग पर शाहरुख खान Part 2 भी बना सकते हैं और इसका नाम रावण 2 न होकर जीवन होगा, जिसे वीडियो में खुद शाहरुख खान ने बताया है। अब देखना होगा कि शाहरुख खान इस फिल्म को कब रिलीज करेंगे। लेकिन बात करें अगर उनके फिल्मों की, तो वो अगले साल फिल्म पठान, जवान और डंकी में नजर आएंगे। फिल्म पठान को 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। पठान एक पैन इंडिया फिल्म है जो न सिर्फ हिंदी में बल्कि तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है। फिल्म के निर्देशक की कमान सिद्धार्थ आनंद संभालेंगे, जिन्होंने इससे पहले वॉर और बैंग बैंग जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। फिल्म में दीपिका और जॉन भी लीड रोल में है।